फ्रेंड्स आपके फिर से मेरे पे स्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि एन एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो में लाऊं तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं लेकर के आ गया हूं अब मैं ऐसा वीडियो लाया हूं और ऐसा स्ट्रेटजी लाया हूं जिसको फॉलो अगर आप कर लेते हैं मात्र ये पैंतालीस दिन का स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स फिर आपको एन क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता है बस आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा ठीक है बिना ये स्किप करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा मैं क्या बोला कैसे बोला ठीक है अगर पूरा अंत तक आप मेरा बात सुनते हैं और पूरा दिल से फॉलो करते हैं ईमानदारी के साथ तो आपको एन एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है ये स्ट्रेटजी फ्रेंड्स केवल पैंतालीस दिनों की है ठीक है मात्र पैंतालीस दिन ना तीस दिन ना साठ दिन ठीक है अब इस पर कुछ लोग ये डाउट क्रिएट कर दे रहे हैं जैसा कि हमेशा कुछ लोग होते हैं निगेटिव कमेंट करने वाले तो बोल रहे हैं अब क्यों पैंतालीस दिन बाद बोल रहे हैं जैसा मैं नोट में लिख भी दिया हूँ कि मेरा कहने का सेंस ये नहीं है कि पैंतालीस दिन की स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ तो पैंतालीस दिन बाद एग्जाम होगा ऐसा मेरे कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है एग्ज़ाम कभी भी हो ये मात्र स्ट्रेटजी पैंतालीस दिन की है ठीक है तो स्ट्रेटजी ये पैंतालीस दिन की है फिर मैं कहूँगा इसका एग्जाम डेट से कोई संबंध नहीं है पैंतालीस दिन का स्ट्रेटजी इस मैं इसलिए दिया हूँ कि अगर मान लीजिए एग्जाम आपका दस जनवरी से पंद्रह जनवरी से भी स्टार्ट हो जाता है तो कम से कम ये मार्च लास्ट या फिर अप्रैल तक चलने वाला है और सभी का एग्ज़ाम तो स्टार्टिंग में पड़ नहीं जाएगा उसका लास्ट में भी पड़ेगा ठीक है तो पैंतालीस दिन उनके लिए है जिनका एग्जाम बिल्कुल पहले नहीं पढ़ पाएगा अगर मान लीजिए जिनका एग्जाम बिल्कुल पहले पड़ जाता है और एग्जाम जनवरी में ही स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग पंद्रह जनवरी तक या बीस जनवरी तक तो फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि तब अगर 20 जनवरी के बाद भी होता है तो भी आपका 45 दिन स्ट्रेटजी आराम से फॉलो हो सकता है जैसा कि मान लीजिए कुछ लोग 25 जनवरी का डेट वायरल कर रहे हैं अगर वहाँ से भी स्टार्ट होता है तो आपके पास 45 दिन पूरे हैं लेकिन फिर मैं कहूँगा पच्चीस जनवरी का डेट मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कुछ लोग जो वायरल कर रहे हैं यूट्यूब पे कुछ लोग एकदम इसको कन्फर्म मान ले रहे हैं कुछ लोग सौ जनवरी बोल रहे हैं कुछ लोग पच्चीस जनवरी बोल रहे हैं कुछ लोग अट्ठाइस दिसंबर को मान के चल रहे हैं ठीक है आप कोई भी डेट माने मुझे उससे मतलब नहीं है मैं डेट पर कोई डिस्कशन अब नहीं करूँगा ठीक है लेकिन ये मेरी स्ट्रेटजी कल पैंतालीस दिन की है अगर आपको पैंतालीस दिन मिलता है आपके एग्जाम डेट से पहले तो अच्छी बात है उससे अधिक मिलता है तो और अच्छी बात है और अगर उससे अधिक मिलता है टाइम तो आप उस टाइम को कैसे यूज़ करेंगे भी मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स ठीक है तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा कैसे करते हैं कि स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें ठीक है फ्रेंड्स फिर मैं कहूँगा एग्ज़ाम डेट से इसका कोई रिलेशन नहीं है पैंतालीस दिन का ठीक है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करें उसका सिलेबस उठा लें एग्ज़ाम पैटर्न उठा लें क्या है ठीक है एग्ज़ाम पैटर्न में पहले ही आपको दिखा चुका था ठीक है सिलेबस मैंने आपको नहीं दिखाया सिलेबस वगैरह आप चेक कर लें कि कहाँ किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाने पैटर्न में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक है आपका सिलेबस पता चल जाएगा ठीक है पैटर्न में क्या होता है कि जीएस के कितने क्वेश्चन रहेंगे मैथ कितने रहेंगे, के कितने क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन रहेंगे ठीक है और फिर उसके बाद सिलेबस चेक कीजिए मतलब किस किस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है सिलेबस में वो आप देख लीजिए अगर आप सिलेबस को समझ लेते हैं ठीक है ये महज एक से दो घंटे का काम है पैटर्न और सिलेबस समझना ठीक है फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा मान लीजिए आज आपका नौ दिसंबर है अगर आप कल से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ क्या हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल पॉसिबल है ठीक है और हाँ सबसे पहले मैं एक बात ये ज़रूर बोलूँगा आप स्टार्टिंग में कभी भी करंट अफेयर्स मत उठाइएगा भूल कर भी करंट अफेयर्स मत उठाइएगा क्योंकि अभी तक आपका एग्ज़ाम डेट कन्फर्म नहीं है और अगर आप स्टार्टिंग में ही करंट अफेयर्स करना शुरू कर देते हैं और बाई चांस आपका एग्ज़ाम इधर होता ही नहीं है बिल्कुल एक दो महीने तक तो फिर आपका करंट अफेयर्स क्या होगा वो मिडवल हिस्ट्री बन जाएगा महजा एक हिस्ट्री बनकर रह जाएगा जिसका यूज़ नहीं होगा और अगर आप करंट अफेयर्स उठाते भी हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट वाला उठाइए बहुत पहले का मत उठाइए यानी अब से एक साल पहले का मत उठाइए क्योंकि अगर मान लीजिए आप दिसंबर अभी मान लीजिए दिसंबर चल रहा है एक साल पहले का उठाते हैं यानी पिछला दिसंबर या फिर जनवरी का फिर उसका यूज़ कहीं होने वाला नहीं है क्योंकि एग्जाम का डेट अभी कंफर्म नहीं है मान लीजिए एग्जाम अगर जनवरी में पड़ता है कुछ हद तक यूज़ हो जाएगा फरवरी में पड़ेगा तो उसका यूज़ घट जाएगा मार्च में पड़ेगा उसका यूज़ और घट जाएगा तो मैं पहले बोल देना चाहता हूँ फ्रेंड्स आप करंट अफेयर्स को बाद में रखें जब आपका एग्जाम डेट कंफर्म हो जाए आपका एग्जाम किस मंथ में है किस

मतलब क्वेश्चन वगैरह समझ लेते हैं देख लेते हैं थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कुछ अपने मन से कुछ का सॉल्यूशन देख करके मतलब उसको किसी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं कम से कम 20 सेट 2015 हज़ार जो एन टी हुआ था उसका ठीक है उसका कितना डेट पे या एग्जाम होता है मुझे नहीं मालूम है लेकिन अब कम से कम अगर आप उसका बीस सेट लगा लेते हैं तो सफिशियंट होगा आपके लिए ठीक है और एक कहाँ से आपको लेना है इसके लिए भी मैं बताऊंगा कुछ ऑप्शन दूंगा अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट करूंगा बिल्कुल फ्री रहेगा उसको कोई चार्ज नहीं रहेगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड कराने का उसको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा ठीक है लेकिन अभी आपको क्या करना है अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल है तो अच्छी बात है तो फिर मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी तो आप जैसे बोला ना एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस चेक करने के बाद आपको एन का प्रीवियस ईयर पेपर देखना है कम से कम बीस सेट उसका लगाना है यानी बीस दिन का पेपर बीस शिफ्ट का ठीक है दिन का नहीं बीस शिफ्ट का कम से कम वो आपको लगाना है उसके बाद आपको क्या करना है दो में कई एग्ज़ाम हुए हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है आर का एग्जाम हुआ है एल टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है सबका प्रलिम्स का पेपर सबका कम से कम बीस बीस सेट आप उठा लीजिए यानी कि बीस सेट आपका एनटीपीसी दो पंद्रह लोग हो गया बीस सेट ग्रुप डी का हो गया बीस सीट बीस सेट सॉरी सेट बीस सेट, सेट आपका जो हो गया आ, आर पी एफ का हो गया बीस सेट आपका एल पी टे का हो गया यानी अस्सी सेट यानी अस्सी पेपर आपके ये हो जाते हैं और इन सभी में आपको कुछ स्किप करना है क्या स्किप करना है जो जी एस पार्ट का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है उसको स्किप कर देना है क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं बाद में रह जाता है ठीक है तो वो आपको अस्सी सेट लगाने हैं मात्र कितने दिन में पंद्रह दिन में अगर आप इतना कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है अदरवाइज आप मतलब प्रिपरेशन के लायक नहीं है क्योंकि अगर आप से स्टार्ट भी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कम दिन में हो भी जाए तो फिर मुश्किल है फ्रेंड्स अगर आपके पास कम दिन बचा है तो आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा यानी कि पंद्रह दिन में ये अस्सी सेट आपको कंप्लीट करना इसका मतलब ये है कि कम से कम आपको आठ दस घंटे की पढ़ाई करनी होगी थोड़ा आप लोग को लग सकता है मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ बट रियलिटी है फ्रेंड्स क्योंकि कंपटीशन जो दिन पर दिन टफ़ होते जा रहा है और मैं पैंतालीस दिन में कंप्लीट करने की बात कर रहा हूँ तो आप कैसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ठीक है अगर आप क्या करते हैं आठ दस घंटे की रेगुलर पढ़ाई करते हैं स्टार्टिंग में बाद थोड़ा कम भी कर देंगे चलेगा अब कुछ लोग कहेंगे उल्टा क्यों बोल रहे हो तो फ्रेंड्स उल्टा नहीं बोल रहा हूँ लॉजिकली यही सही होता है जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाता है तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए वहाँ पर थोड़ा सा आराम करना चाहिए जितना एग्जाम डेट नज़दीक का है उतना पढ़ाई छोड़ते जाइए क्योंकि जब अगर आपका माइंड रिलेक्स रहेगा तो आप प्रिपरेशन अच्छा कर पाएंगे मैंने भी अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा ही फॉलो किया है जब एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाता है मैं नहीं पढ़ता हूँ और एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ ठीक है मैं पिछला एन टी तो नहीं दिया था ठीक है लेकिन मैं ये ग्रुप डी दिया था और क्लियर भी किया था मेरे अच्छे स्कोर भी थे अभी मेरे पास स्क्रीन उसका नहीं है ताकि मैं प्रूफ दे सकूँ कि मेरा कितना स्कोर था अदरवाइज आप लोग मानेंगे नहीं तो बताने से कोई फायदा नहीं है कुछ लोग निगेटिव कमेंट करेंगे ठीक है बट मैंने ज्वाइनिंग नहीं लिया मैंने आर आर गुवाहाटी से अप्लाई किया था जो लोग मेरे साथ थे पुराने कैंडिडेट वो मुझे जानते हैं ठीक है मैं भले ही गोरखपुर का रहने वाला हूँ पर मैंने अप्लाई आर आर गुवाहाटी से किया था और उनका कटआफ भी बहुत हाई गया था फिर भी मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया था ठीक है तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा ये चारों एग्ज़ाम के आप पेपर लगा लीजिए सबसे पहले यानी अस्सी सेट अस्सी सेट आपको पंद्रह दिन में लगाने हैं ठीक है फ्रेंड्स अगर पंद्रह दिन आपको थोड़ा अधिक लगता है तो आप बीस दिन ले लीजिए फिर इसका भी तरीके बताऊँ कैसे आपको मैनेज करना होगा पैंतालीस दिन के भीतर अगर आप बीस दिन में ले ले रहे हैं यानी एक दिन में अगर आप चार सेट लगा लेते हैं किसी तरीके से चार सीट्स का पेपर लगा लेते हैं फिर इसके बाद क्या होता है आपको मान लीजिए पंद्रह दिन या दस दिन बचता है अगर आप पंद्रह दिन लगाते हैं फिर पंद्रह दिन आपको क्या करना होगा केवल जी पे फोकस करना होगा ठीक है आपको मैथ्स रीजनिंग का कोई अलग से बुक लेने का जरूरत नहीं है इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि मैथ्स रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि आप बुक्स कभी पढ़ाई करेंगे पढ़ नहीं पाएंगे आपको किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना होगा या ऑफलाइन कहीं कोचिंग लेते हैं तो वहाँ फॉलो करना होगा क्योंकि मैथ्स ऐसा होता है कि आप बुक से पढ़ के समझ नहीं पाएंगे और अगर आपको बेसिक नॉलेज है मैथ्स का तो केवल पेपर सॉल्व कर लेंगे वहीं से आपका मैथ्स रीजनिंग क्लियर हो जाएगा दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा यानी कि आपका जो फिर अगला दस पंद्रह दिन होगा उसमें केवल आपको जी पे फोकस करना होगा और जी एस से करना ये इंपॉर्टेंट है तो जीएस के लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स केवल आपको दो बुक लेने की जरूरत है एक क्या करना है आपको लूसेंट या फिर क्राउन का जी के आता है दोनों में इसको एक ले लीजिए और एक साइंस के लिए अलग से स्पीडी खरीद लीजिए ठीक है क्योंकि स्पीडी जो जानते हैं आप रेलवे का फेवरेट है स्पीडी से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं तो ये आप दो बुक जरूर पढ़ें पहला क्या लूसेंट या फिर क्राउन और फिर दूसरा क्या स्पीडी स्पीडी के साइंस का था साइंस है स्पीडी का और बाकी जो जीएस एस पार्ट होता है जीके पार्ट होता है वो आपको लूसेंट से करना है ठीक है तो ये अगला दस या पंद्रह दिन आपको ये करना है फिर इतने बुक आपको कंप्लीट कर लेना है यानी तीस दिन में आपको क्या करना है कि सिलेबस पैटर्न चेक करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है कैसे रेलवे के पेपर होते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं रहेगा इसलिए सबसे पहला पार्ट आपका होना चाहिए कि पहले मैं पैटर्न चेक करूं फिर सिलेबस चेक करूं फिर सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखो प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब ये नहीं कि एन टी पी सी का पेपर चेक कर लें क्योंकि तब के एन टी पी सी और अब के एन टी पी सी में बहुत डिफरेंस है ये भी मैं बताया था तो क्या डिफरेंस है ये भी पर सुन लीजिए जो पिछला एन टी पी सी हुआ था वो केवल ग्रेजुएट लेवल पर हुआ था इस पर ग्रेजुएट और तो ट्वेल्थ का एक साथ है अंडर ग्रेजुएट का ठीक है और इस पर क्या है प्रीलिम्स जो है दोनों का एक साथ हो रहा है दोनों का अलग एग्जाम नहीं होगा एक साथ एग्जाम होगा यानी कि पेपर का लेवल ईजी रहने वाला है क्योंकि ट्वेल्थ वाले भी रहेंगे ट्वेल्थ रहेंगे इसका मतलब ये ये हो गया कि आपका जो मैथ्स में टॉपिक है एडवांस मैथ नहीं रहेगा या फिर रहेगा तो बहुत कम रहेगा क्योंकि ग्रेजुएशन वालों में एडवांस मैथ ज़्यादा आता है ठीक है और एस एस सी वगैरह में एडवांस मैथ आता है तो आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं जी एस पढ़ लेते हैं फिर बचता है आपका लास्ट का पंद्रह दिन तो पंद्रह दिन आपको क्या करना होगा और कहाँ से पेपर आपको सॉल्व करना मैं भी बताऊंगा पंद्रह दिन में आपको क्या करना है केवल मॉक टेस्ट देना यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट देना है ऑफलाइन दीजिए या ऑनलाइन दीजिए ऑनलाइन देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर कहीं फ्री ऑनलाइन टेस्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है अदरवाइज़ आप किसी का परचेज कर सकते हैं मैं कोई टेस्ट नहीं बेचता हूँ और ना ही मैं किसी का नाम सजेस्ट करूँगा ठीक है अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो उसका टेस्ट आपको मिलता होगा वो आप दे सकते हैं अगर नहीं जुड़े हैं तो किसी का टेस्ट ऑनलाइन खरीद लीजिए अपने हिसाब से क्योंकि मैं बताता हूँ चाहे कोई भी एग्जाम हो आप कितनी पढ़ाई कर लें अगर मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप जितना टेस्ट देंगे उतना आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा उतना पता चलेगा आपका कौन सा एरिया वीक है और कौन सा एरिया स्ट्रांग है और किसमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स अगर आप बुक पढ़ लेंगे केवल पोथा हो जाएगा वो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं कोई टेस्ट नहीं है तो टेस्ट से ही पता चल पाता है कि हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं क्या अच्छाइयाँ हैं तो टेस्ट जरूर दें फ्रेंड्स लास्ट के पंद्रह दिन और अगर पैंतालीस दिन से एक्स्ट्रा पास टाइम बचता है तो आप बीस दिन टेस्ट से टेस्ट दे बस टेस्ट का अपना संख्या बढ़ाते यानी टेस्ट का डेट बढ़ाते जाए ठीक है और हम बात करें करेंग अगर करंट अफेयर्स का तो करंट अफेयर्स फ्रेंड्स जैसा कि मैं बोला ना कि जब एग्जाम डेट आपका कंफर्म हो जाए उसके एक महीने पहले स्टार्ट करें यानी उसके एक महीने पहले आप क्या करें आप अपना टेस्ट भी देते रहें और करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहें अलग से टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए फिर मैं रिपीट करूंगा ओनली टेस्ट 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 बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे मैं कोशिश करूँगा फ्री वीडियोज अपलोड करने का ठीक है कि अगर मुझे मटेरियल मिल जाएगा टाइम मिल जाएगा तो मैं आपको टेस्ट सीरीज देते दे रहूँगा बीच बीच में जी का क्योंकि जीएस से सबको टफ लगता है ठीक है बाकी मैथ्स रीजनिंग जिनका बेसिक क्लियर है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप अच्छे से कर सकते हैं वैसे मैथ्स रीजनिंग का मैंने भी वीडियो अपलोड करके कर रखा है ऑलरेडी मैंने क्लास लिया था मैं कोचिंग स्टार्ट किया ठीक है तो मैं चलाता था तो मेरे वीडियोज में पड़े हुए आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर मेरी वीडियो नहीं समझ में आती है किसी और क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन जो फ्री हो फ्रेंड्स किसी के पैसे के पीछे ना भागे हाँ टेस्ट सीरीज के लिए मैं बोल रहा पैसा लगा सकते हैं आप क्योंकि उसका फ्री टेस्ट सीरीज आपको ना मिल पाए लेकिन क्लासेस बहुत सारे फ्री मिल जाएंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे ठीक है और अगर आप मैथ्स का बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बुक आप ले सकते हैं मैथ्स के लिए एस डी यादव की बुक आती है आप वो बुक ले सकते हैं वो बहुत बेसिक होता है उसका मैथ और हर एक टाइप के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे ठीक है तो मैथ्स का बुक जो एस डी यादव का ले सकते हैं और अगर रीजनिंग की बुक की मैं बात करूँ तो अजय चौहान का एक बुक आता है वो आप ले सकते हैं वैसे आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है और अब हम बात करते हैं कि आपको कहां से प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा मेन क्वेश्चन के दिमाग में ये आता है कंफ्यूजन कहां से तो आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते मैं, मैं क्या लिखा हूं आर आरबी एनटीबीसी प्रीवियस मैंने गूगल में सर्च किया देखिए कितने गए हैं देखिए जागरण जोश का इसके साथ पेपर नहीं मिलेगा ठीक है देता है यहां पे एस एस सी अड्डा डॉट कॉम पे इस पर मिल जाएगा मुझे उम्मीद है हिंदी से दोनों मिल जाना चाहिए ठीक है यहाँ से आप पेपर ले सकते हैं ठीक है यही आप सर्च के केवल कितना आर आर प्रीवियस ईयर पेपर इतना आप लिखे तो आपको ये पेपर दिख गया यहाँ पे अब इसके आगे देखिए यही सर्च करने वाला देखिए और भी ऑप्शन आ रहे हैं जहां से भी आपको समझ में जहाँ भी आपको मटेरियल आसानी से मिल जाए वहां से देखते टेस्ट बुक डॉट कॉम का है यहाँ भी आर आर बी एन टी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसके आगे भी बायजूस पे भी है आर आर बी एन टी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ठीक है सब फ्री होंगे मेरे ख्याल से ठीक है आगे क्या है ग्रेडअप पर भी है आर आर बी एन टी पी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन हिंदी इंग्लिश तो ये हुआ आरआरबी एनटीपीसी एन टी पी का प्रियसय पेपर दो हज़ार पंद्रह सोलह में हुआ था ठीक है तो ये पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं किसी एक साइट पे जा करके मैंने बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखा दिया आपको कैसे सर्च करना है भी मैं बता दिया हूँ ठीक है इसी के तरह बिल्कुल आपको ग्रुप डी का ही पेपर उठा लेना है आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ भी देखिए सबसे पहले जागरण जोश का आया है ठीक है इसके साथ पेपर न मिले लेकिन आगे क्या है सरकारी एग्ज़ाम का है यहाँ से आपको पेपर मिल जाना चाहिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है टेक्स्ट बुक यहाँ भी है फिर क्रैकू डॉट कॉम डॉ इन है यहाँ से भी आपको पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर इसके अलावा आपको आरपीएफ का पेपर ऐसे सर्च कर लेना है और ऐसे ही ए एल पी टेक का पेपर सर्च कर लेना है तो फिर आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और सारा स्ट्रेटजी आपके दिमाग में आ जाएगा आपको कैसे क्या करना है मैं एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ आपको क्या करना है सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न चेक करना है एग्जाम पैटर्न मिश क्या होता है कि सी बी टी वन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने क्वेश्चन है ठीक है उसके बाद आपको सिलेबस चेक करना सब्जेक्ट वाइज यानी कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने कौन कौन से लेसन पर ज़्यादा फोकस करने हैं और सबसे पहली बात आपको करंट अफेयर पहले नहीं उठाना है अदरवाइज आपका करंट अफेयर्स जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री बन जाएगा फिर आप भूल जाएंगे क्या आप पढ़े तो उसका यूज़ ही नहीं कहीं होगा ठीक है अब सिलेबस पैटर्न चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने उनको सॉल्व करने हैं और बहुत ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि टाइम कम बचेंगे तो फिर आपको अधिक सॉल्व करने होंगे ठीक है क्योंकि जैसे आज चर्चा है मीडियम आप देख रहे हैं कब डेट वगैरह आ सकती है मैं अपने तरह से नहीं बताऊँगा फिर लोग को कहेंगे कि फिर डेट चेंज कर दे ये बोल दिया मैं नहीं बताने वाला हूँ बट आप लोग ये मान चले एग्जाम जल्द होगा तो इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें पेपर सॉल्व करने के बाद केवल जीएस फोकस करें जी एस जीके जो पार्ट होता है जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज कर सकते हैं उसमें साइंस पार्ट इंपॉर्टेंट होता है साइंस पार्ट के लिए आप क्या करना है आपको स्पीडी का लेना है हाँ मैं करंट अफेयर्स का बुक नहीं बताया कौन सा बुक लेना अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा आप बुक भी ले सकते हैं बुक कौन सा लेना है वो भी आपको स्पीडी का लेना है स्पीडी का बुक लेना करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स ठीक है स्पीडी का करंट अफेयर्स स्पीडी का साइंस दोनों बहुत अच्छा आता है और मैथ्स के लिए आपको मैं बता दिया एस टी यादव लेना है और आपको रीजनिंग के लिए अजय चौहान लेना है तो ये बुक वगैरह हो जाएगा ठीक है फिर बुक से सॉल्व कर लेंगे यानी बुक पूरा पढ़ लेंगे यानी आपका जी पार्ट क्लियर हो जाएगा लूसेंट से या फिर क्राउन से कहीं से भी तो फिर आपको क्या करना केवल प्रैक्टिस टेस्ट देना है और प्रैक्टिस टेस्ट केवल एक जगह से नहीं देना है किसी दो तीन साइड पर देना है और किसी बुक से भी देना है अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए तो आप रुक्मिनी का बुक ले सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है ठीक है तो आप रुक्मिनी का भी बुक यूज़ कर सकते हैं प्रीफर कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है पसंद था नहीं आता है आप मार्केट में जाइए बुक ओपन करके पढ़िए देखिए समझ में आ नहीं आ रहा है अगर समझ में आ तो अच्छा आपके अच्छा तो आप तो आप लिए फायदेमंद होगा कोई नुकसानदायक नहीं होगा ठीक है लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आप लोग को लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहा इससे रिलेटेड कोई मतलब जीएस पार्ट सीरीज मैं कराता रहा और बाकी मैथ्स रीजिंग वीडियो मैंने अपलोड कर रखे मैथ्स का मैंने क्या किया है ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया का प्लेस्ट नहीं बना हुआ है मैथ्स का प्लेस्ट मैंने बना रखा शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मैथ्स नाम से आप वहां पर इजली जाके देख सकते हैं मैंने बहुत सारे वीडियोस कराए हैं जो काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए मैं पिछले क्या हुआ है आरपीएफ वगैरह के लिए मैं वो वीडियो कराया था ठीक है Uh, मैं वो क्लास लिया था तो आप वहाँ से भी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं और प्रिपरेशन आप अच्छी खासी कर सकते हैं और बुक के लिए मैंने बता दिया मैथ्स के लिए आपको एस डी लेना होगा ठीक है बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग क्या मन से लग जाइए डेट के पीछे ना पढ़िए एग्ज़ाम डेट कब है कब नहीं है तो इसके बारे में ना सोचिए ज़्यादा केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए डेट को आप भूल जाइए बस आप ये मान के चलिए कि मैं पैंतालीस दिन का स्ट्रेटजी ले रहा हूँ तो पैंतालीस दिन के लिए ही काम करूँगा मैं वैसे लगातार कोशिश करता रहूँगा कि आप उससे लगातार अपडेट लेता रहो एक वीडियो अपलोड करके कि आप आपने आज कितना वर्क किया कितना नहीं किया हो सकता कुछ लोगों को लगे व्यूज़ के लिए मैं वीडियो डालूंगा तो ऐसे लोगों को लगते रहे पर मैं आप लोगों को लगातार चेक करता रहूँगा कि आपने क्या आज प्रिपरेशन किया क्या आज नहीं किया है ठीक है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही बाकी आप लोग आज से या फिर कल से लग जाइए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू